मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज बनाऊंगी मक्के की बाटी, जो कि सबको बहुत पसंद आएगी और बहुत ही टेस्टी है और सर्दी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो चलती हूँ अपने किचन में और बनाना शुरू करती हूँ। बाटी बनाने के लिए हमने लिया है 1.5 कप मक्के का आटा। 1 कप हमने डाल दिया और आधा कप और डाल देती हूँ। 1.5 कप मक्के का आटा हो गया और 1 कप हम इसमें गेहूँ का आटा मिला देंगे। तो 1 कप गेहूं का आटा भी हमने मिला दिया है और इसको मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा अजवाइन क्रश करके। सबसे पहले नमक डाल देते हैं 1.5 चम्मच और थोड़ा सा अजवाइन, जिससे कि इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल या घी कुछ भी हम डाल सकते हैं। तो हमने 1 से 1.5 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दिया और ये 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, थोड़ा सा सोडा डाल देती हूँ, जिससे कि हमारी बाटी बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि हमारा नमक, सोडा और ऑयल सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसको गर्म पानी से गूंथ लेते हैं, हल्का गर्म पानी, थोड़ा सा गर्म है क्योंकि मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ फटाफट। गर्म पानी से गूंथने से हमारा आटा बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बनता है, जो कि मक्के का आटा हो, बाजरे का आटा हो, जौ का आटा हो, इसे हम गर्म पानी से गूंथते हैं, बहुत अच्छा होता है। तो इसको हम गूंथ के रख देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए, इसे छोड़ देते हैं क्योंकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब हम कुकर को फ्री हीट करने के लिए रख देते हैं और उसमें डालते हैं एक छोटी सी प्लेट। तो हमने गैस को बिल्कुल स्लो रखा हुआ है अभी, और इसमें इसके ऊपर हम दूसरी प्लेट भी डालेंगे। तो देखिए, थोड़ा सा बड़ी प्लेट इसमें डाल देते हैं और इसके ऊपर अब इसे हम प्री हीट करने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम अपनी लोइयां काटेंगे। हमारा आटा सेट हो गया है तो हम सारी आटों को अच्छे से लोइयां काट लेते हैं। और देखिए, कुछ इस तरह गोल आकार देते हुए उसे हल्का सा हमें ब्रश कर देना है अपनी हथेलियों की सहायता से। तो बहुत ही अच्छे से देखिए बनकर तैयार हो गया। इसी तरह हम सारी बाटी को तैयार कर लेते हैं। तो हमने सारी बाटी मतलब एक साथ ही पका लिया था। तो हम सबसे पहले देखिए फ्री हीट हो गया हमारा कुकर और इसमें हम बाटी को थोड़ा सा अलग करके रख देते हैं। एकदम से सटा के नहीं रखना है, थोड़ा सा अलग। और हम जो भी बची थी दो तीन, तो उसको भी हमने कुकर में ही डाल दिया था और धीरे धीरे हमने पका लिया था। तो देखिए, सारी बाटी हमारी पक गई है बहुत ही अच्छे से। 40 से 50 मिनट लगा है इसको पकाने में। हमें 2 बार चेक करना पड़ा बीच में कि मतलब कहीं जले वले ना, इसलिए। तो बहुत ही अच्छे से हमारी बाटी पक गई है। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को ज़रूर लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो देखिए, हम इसको घी में अच्छे से, आप घी से खा सकते हैं, हरी चटनी के साथ खा सकते हैं, पंचरत्न दाल के साथ, किसी के साथ हम इसे सर्व कर सकते हैं। तो मेरी बाटी बहुत ही सॉफ्ट बनी है, देखिए कितनी अच्छी, और खाने में उतनी ही टेस्टी। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए। कुक विजय मंजू में बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।